ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज जो टीम होती है वो हमारी बिल्कुल पहले से ही सेट होती, मींस बोलने का मतलब कि प्रोटोकॉल्स डिसाइडेड होते हैं कि 6 वीक्स हो गया, कार्डियक एक्टिविटी आ गया, तब वो पेशेंट गायनी के पास शिफ्ट हो जाएगा, और जिन गायनीज के पास रेफर होते हैं वो ऑब्वियसली IVF पेशेंट्स पहले से देखती होती हैं, इसलिए इस तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है। एंड हम लोग क्योंकि पेशेंट का IVF किया होता है, तो ऑब्वियसली अगर पेशेंट हमारे पास आता है, अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसको कभी भी ट्रीटमेंट डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली हमारा ही क्रिएटेड IVF होता है, तो ऐसा कोई भी ऐसी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होता है उसमें पेशेंट जब फर्स्ट टाइम आता है तो उसका एक UHID नंबर होता है, एक आइडेंटिटी नंबर होता है जो ऑलरेडी एक पेशेंट को दिया जाता है। उस UHID नंबर के अकॉर्डिंग अगर जब भी उस नंबर को कंप्यूटर में डालते हैं, तो आपने कभी भी कोई इन्वेस्टिगेशन कराया हो या किसी डॉक्टर से आपने कंसल्टेशन किया हो, वो इमीडिएटली सारे डिटेल्स आ जाते हैं, इंक्लूडिंग कि कौन से मेडिसिंस खाए थे और क्या मेडिसिंस चले थे। तो इसीलिए जो आपका जो लैग होता है, बोलने का मतलब जो प्रेस्क्रिप्शन नहीं लाने का लैग होता है, या अगर आपने डॉक्टर को नहीं भी डिस्क्लोज किया, मान लीजिए आप बहुत घबराहट में आपने अपनी कोई हिस्ट्री भूल गए हो, तो वो सारे कुछ उसमें आ जाते हैं एंड पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्लस दूसरी चीज़ ये होती है कि IVF जो टीम होती है वहाँ पे और जो गायनी टीम होती है वो इन कोऑर्डिनेशन काम करती है ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक तरह का यूनिट सिस्टम वहाँ पे बना होता है एंड पेशेंट्स ऑलरेडी इस चीज़ से वाकिफ़ होते हैं कि उनको जाना है इन गायनी के पास, एंड वो उन गायनीज को पहले से देखे होते हैं, तो एक कम्फर्ट लेवल होता है। प्लस NICU टीम भी वहीं पर होती है, तो आप सोचो एक तरह से इन टोटो पूरा जो एंटीनेटल केयर होता है वो पेशेंट के लिए हैंड में बिल्कुल प्रेजेंट रहता है, इंक्लूडिंग बेबी केयर।